सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द एडम प्रोजेक्ट, जो कि हाल ही में न्यू रिलीज मूवी है, रियान रेनॉल्ड की लेटेस्ट मूवी, जो कि एक कॉमेडी एक्शन और साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी में आपको एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत में रियान रेनॉल्ड, जो कि एडम नाम रहता है, वो अपना भविष्य बचाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट में बैठ के टाइम ट्रैवल करता है। एडम टाइम ट्रैवल करके सन 2050 से 2022 में आता है। वो अपने फ्यूचर को बचाने के लिए पास्ट में आता है, जो कि उसके पिताजी एक एडम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। उसके साथ काम करने वाली सोरियन माया, जो कि उसके पापा के मर जाने के बाद उसके प्रोजेक्ट में कब्जा कर लेती है और उसका गलत इस्तेमाल करती है। उसी चीज़ को एडम रोकने के लिए सन 2022 में आता है। अब 2022 में दिखाता है कि एडम छोटा था, तब उसकी हाइट कम थी और उम्र अधिक थी लेकिन हाइट कम थी, तो उसे अदर लड़के उसे मारते थे। स्कूल में बदमाश बच्चे उसका नाक तोड़ देते हैं, जिससे प्रिंसिपल उसकी मम्मी को ऑफिस बुलाती है। फिर उसकी मम्मी आती है और उसे कार से अपने घर ले जाती है और कहती है कि तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी भी जा सकती है अगर मैं इसी तरह बार बार आती रही तो कहती है कि तुम बदमाशी कम किया करो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। उसी शाम उसकी मम्मी एक डेट पे जाती है और एडम घर में अकेला होता है और गेम खेल रहा होता है, अपने डॉगी के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक उसे गार्डन में किसी की आवाज़ आती है और वह टॉर्च पकड़ के बाहर गार्डन में निकलता है। बाहर गार्डन में आके थोड़ी दूर जाके वह देखता है कि आसमान में आधे पेड़ जले हुए हैं और उनमें से धुआं निकल रहा है। उसे डर लगता है, फिर वह भागते भागते अपने घर वापस आता है और देखता है कि उसके बेसमेंट स्टोर रूम में एक बंदा बैठा हुआ होता है। फिर छोटा एडम उसे मारने के लिए बेसबॉल का डंडा उठाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो। फिर वो कहता है कि शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। वो कहता है कि मैं किसी अजनबी को अपने घर में घुसने नहीं दे सकता। तो बोलता है कि मुझे गोली लगी है, तो बोलता है मुझे कुछ ज़रूरत है किसी मेडिकेट की। फिर वह कहीं से मेडिकेट थोड़ा जुगाड़ करता है और अपने घाव को सुखाता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन। फिर बड़ा एडम कहता है कि सुनो बच्चे, मैं तुम हूँ, जो कि एक फ्यूचर से आया है। फिर एडम उस बच्चे को बाहर ले जाता है और कहता है कि देखो मेरा स्पेसक्राफ्ट पेड़ से टकराने के बाद थोड़ा डैमेज हो गया है और वह उड़ नहीं पा रहा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह स्पेसक्राफ्ट DNA से चलता है और तुम्हारा और मेरा DNA सेम है, तो तुम इसे चला सकते हो, तो तुम मेरी मदद करो। फिर छोटा एडम अपना फिंगरप्रिंट लगाता है और स्पेसक्राफ्ट चालू हो जाता है। फिर दोनों उसमें बैठ के ऊपर जाते हैं तो देखता है कि स्पेसक्राफ्ट थोड़ा डैमेज है। फिर एडम कहता है कि इसे थोड़ा रिपेयर होने में टाइम लगेगा, तब तक मेरा घाव नहीं सूख जाता, तब तक मैं इसे उड़ा नहीं पाऊँगा। फिर रात ज़्यादा हो जाती है, फिर उसे कहते हैं कि बच्चे अब तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। फिर वह बेसमेंट में आराम कर रहा होता है। अगली सुबह उसकी मॉम काम पर निकल रही होती है और उसे कहती है कि कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल करना। वह कहता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वह चले जाती है। फिर बेसमेंट में उसे देखने जाता है। फिर एडम कहता है कि तुम्हारे घर में मेडिकेट नहीं है, मुझे थोड़ा फार्मेसी जाना है। फिर छोटा एडम कहता है कि तुम इस कपड़ों में जाओगे, स्पेस सूट में। फिर छोटा एडम उसे अपने पापा के कपड़े देता है। फिर बड़ा एडम कहता है कि उस बच्चे को कि मुझे पैसे दो, मुझे थोड़ा दवाइयाँ लेनी है। फिर वह हेल्थ और मेडिकेट लेता है, लेकिन बाहर तभी बदमाश बच्चे आ जाते हैं और छोटे एडम को मारने लगते हैं, जिससे फिर बदमाश लड़के उसका नाक में मुक्का मार के उसका नाक तोड़ देते हैं और वह गुस्से में रोते हुए घर चला जाता है। फिर फ्यूचर से आया हुआ एडम उस बच्चे को समझाता है और कहता है कि आइंदा तुमने उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिससे वह डर के मारे चला जाता है। अगले ही दिन फ्यूचर एडम और छोटा एडम नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है गार्डन में। बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि फ्यूचर से उसे मारने के लिए सोरियन ने रोबोट्स भेजे हैं। फिर रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं और एडम और रोबोट में लड़ाई हो जाती है।
फिर सोरियन भी आ जाती है और अधिक रोबोट भेज के एडम को मारने कहती है, और एडम उनसे फिर मुकाबला करता है, और उसका पुराना दोस्त भी उसे मारने के लिए आ जाता है। एडम और उसके फ्यूचर दुश्मन में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन तभी उसकी हेल्प करने वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है। यह देख के वह शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम तो मर गई थी, तो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ फ्यूचर से। फिर उसकी वाइफ उसका हेल्प करती है और सभी रोबोट को मारने में उनकी मदद करती है और उन्हें गन देती है। फिर वो रोबोट्स और उसके दुश्मन डर के भाग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। फिर जितनी जल्दी हो सके दोनों तीनों कार में बैठ के निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से सोरियन और उसके रोबोट्स फिर हमला कर देते हैं। उसके पीछे पीछे सोरियन का एयरक्राफ्ट भी आता है और उसके रोबोट भी उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे वह रोबोट से बचते बचते एक जगह आते हैं और वहाँ आराम करते हैं। उसके बाद वहाँ वे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने आने वाला था, सोरियन ने तुम्हें धोखे से मार दिया था। लेकिन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन वे वहाँ दोबारा आते हैं और कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ। एडम अपना स्पेसक्राफ्ट खोजने के लिए निकल जाता है, लेकिन सोरियन और उसके दुश्मन लोग वहाँ मारने के लिए उसे पहुँच जाते हैं, और एडम की वाइफ जैसे तैसे उनसे निपटती है और उनसे मुकाबला करती है। एडम और फ्यूचर एडम दोनों बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें फ्यूचर में जाना चाहिए, कि हमारे पिताजी ने जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे एडम प्रोजेक्ट में, वह सोरियन माया उस पर कब्जा कर लेती है, और हमें पास्ट में जाके पिता से बात करनी चाहिए। वे अपने पास्ट में जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में बैठ के निकल रहे होते हैं, लेकिन सोरियन माया उसे देख लेती है और दोनों में मुकाबला हो जाता है। दोनों लड़ते हैं, लेकिन एडम जैसे तैसे वहाँ से अपना टाइम ट्रेवल स्टार्ट करके वहाँ से पास्ट में जाने के लिए निकल जाता है। पास्ट में पहुँचने के बाद वहाँ देखता है कि उसके पिताजी, जो कि एक प्रोफेसर थे और साइंटिस्ट भी थे, वहाँ पढ़ा रहे होते हैं। फ्यूचर एडम कहता है कि तुम उन्हें कुछ मत बताना। फिर फ्यूचर एडम अपने पिताजी की क्लास में जाके बैठ जाता है और एक उनसे मिलने के बहाने एक सवाल का सही जवाब दे देता है। उसके पिताजी और वो तीनों बाहर निकल के बात कर रहे होते हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम फ्यूचर से यहाँ क्यों आए, तुम्हारे यहाँ आने से टाइम ट्रैवल में कुछ गड़बड़ हो सकती है। एडम अपने पिताजी से कहता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सोरियन आपको भविष्य में धोखा दे देगी और आपके प्रोजेक्ट में कब्जा कर लेगी और उसका गलत फ़ायदा उठाएगी। उसके पिता कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं पता, तुम जहाँ से आए हो तुम वहाँ चले जाओ। ऐसा कह के वह वापस अपने घर चले जाते हैं उसके पिताजी। लेकिन एडम कहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट को बर्बाद किए बगैर, उसे नष्ट किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तो जूनियर एडम और फ्यूचर एडम उसके पिता के सेंटर में जाके, जहां उसके पिताजी एडम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, वहां जाते हैं। लेकिन वहां सोरियन और उसके रोबोट्स वहां पहुंच जाते हैं और दोनों में फिर लड़ाई चालू हो जाती है। तभी उसके पिताजी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, और उसके पिताजी और फ्यूचर एडम और दोनों तीनों सेंटर के अंदर चल देते हैं। इस मशीन को नष्ट कैसे करें, तो उसके पिताजी कहते हैं कि इस मशीन को नष्ट नहीं कर सकते, अगर नष्ट कर देंगे तो सोरियन उसे दोबारा बना लेगी। इसका मेन है ड्राइव, हम इसका ड्राइव निकाल के इसे नष्ट कर देंगे। लेकिन सोरियन माया वहाँ पहुँच जाती है और जूनियर एडम के सर पर बंदूक रख के कहती है कि वो ड्राइव मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। फिर फ्यूचर एडम उसे बचाने के लिए कुछ फेंकता है और वह जाके डायरेक्ट एडम प्रोजेक्ट में जाके उसके शीशे को तोड़ के उसके अंदर चली जाती है, जिससे बाहरी कांच की दीवार टूट जाती है और मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाती है। सभी लोहे की चीज़ें, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस मशीन में जाके चिपक जाते हैं। वहाँ भी एडम से उसके फ्यूचर दुश्मन से लड़ाई चालू हो जाती है और उसका दुश्मन उसे मारने की कोशिश करता है। फिर उसके पिताजी उसकी जान बचाते हैं। फ्यूचर से आई सोरियन पास्ट वाले सोरियन से कहती है कि तुम इन्हें दोनों को गोली मार दो, जिससे हम फ्यूचर में आगे खूब प्रगति कर लेंगे और प्रोजेक्ट को भी बचा लेंगे। और उसके पिताजी दिमाग से काम लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे गोली मारो। तब उसको गोली मारती है, तब वह गोली उसके पिताजी को ना लग के मशीन में जाके चिपक जाती है और फ्यूचर और सोरियन माया दोनों को गोली लग जाती है और दोनों मर जाते हैं। तब लास्ट में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और तीनों एडम और उसके पिताजी बेसबॉल खेलते हैं। फिर जूनियर एडम थोड़ी देर बॉल को थोड़ा दूर फेंक देता है और उसके पिताजी बॉल को उठाने के लिए दूर जाते हैं और फिर दोनों अपने फ्यूचर में वापस लौट जाते हैं। फिर एडम अपने फ्यूचर में वापस आ जाता है और फिर से उसकी वाइफ की उससे मुलाकात होती है
तो आपको यह मूवी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएं।